छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी विधानसभाओं में संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के साथ ही पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल, बालौदाबाजार और भाटापारा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भी पहुंचे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल और विनोद शर्मा भी शामिल हुए। इस शिविर में सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। वहीं इस बार भी कसडोल विधानसभा के साथ भाटापारा और बलौदाबाजार में भी दावेदारों की लंबी सूची दिखाई दे रही है। ऐसे में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वह किस प्रकार से दावेदारों में सामंजस्य बनाए। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और संकल्प शिविर का आयोजन हुआ और इसमें सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि इस ये लड़ाई अपने कंधों पर लिया है। ये लड़ाई किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, मजदूरों की लड़ाई है और इस लड़ाई को सब लोगों ने अपने हाथ में लिया है। पिछले समय से ज़्यादा मतों से हम दो विधानसभा जीतेंगे, पूरी छत्तीसगढ़ जीतेंगे। तो ये लगातार संकल्प शिविर चल रहा है। आज तक लगभग 31 विधानसभा हमारा संकल्प शिविर पूरा हो गया।